बच्चों आवाज आ रही है? माइक्रोस्कोप क्या होता है? लेंथ ऑफ ट्यूब या लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। अगर हम एलटीडीबी में लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप निकालना चाहते हैं, क्वेश्चन आता है फाइंड लेंथ ऑफ ट्यूब या लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, तो लेंथ ऑफ ट्यूब या लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप निकालना बहुत सिंपल है। कैसे निकालेंगे लेंथ ऑफ ट्यूब या लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, उसको निकालने का तरीका क्या है? देखो आपको सिंपल ये निकालना है, ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये कहलाता है आपके पास लेंथ ऑफ ट्यूब। यहां से आता ये कहलाता है लेंथ ऑफ ट्यूब या लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, एल। तो बताओ एल बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो यहां से यहां तक आपको पता क्या है? वीओ है कि नहीं? तो मॉड ऑफ वीओ ऐसे लिख लेते हैं, एल इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ वीओ प्लस, अरे यार ये रुक जाओ, इसको इधर ले तो लिखने लायक जगह नहीं है। मॉड ऑफ वीओ प्लस क्या होगा जल्दी बताओ? मॉड ऑफ यहां से आता का डिस्टेंस कितना होगा? यहां से आता तो वीओ हो गया, यहां से आता क्या है? यूई है। मॉड ऑफ वीओ प्लस मॉड ऑफ यूई, ये हो गया लेंथ ऑफ ट्यूब, है कि नहीं? उसी तरीके से अगर आपको लेंथ ऑफ ट्यूब इसमें पूछ रहा हो, क्या बोलते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट वाले में, ये भी निकाल सकते, बताओ कितना होगा जल्दी बताओ? लेंथ ऑफ ट्यूब एल, यहां से आता का टोटल लेंथ कितना होगा जल्दी बोलो? ये होगा मॉड ऑफ वीओ प्लस मॉड ऑफ, ये यहां से आता क्या है? यूई, मॉड ऑफ यूई। या आप ऐसे लिख सकते हो लेंथ ऑफ ट्यूब, यहां से आता मॉड ऑफ वीओ है, मॉड ऑफ वीओ प्लस यहां से आता एफ ई भी है, देखो मॉड ऑफ एफ ई, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्यूब या लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। तो सिंपल था, लेंथ ऑफ ट्यूब या लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, बस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, अगर जिसको फिगर आता है वो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकता है। तो आज हम खतरनाक टॉपिक बात करने वाले हैं, टेलीस्कोप। किसके बारे में बात करने वाले हैं? टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या होता है जल्दी बताओ बच्चों? टेलीस्कोप इज अ डिवाइस विच इज यूज टू सी द ऑब्जेक्ट लाई एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट बहुत दूर पे रखा हो उसको देखने के काम में आता है हमारे पास कौन? टेलीस्कोप। अब जस्ट उल्टा होगा इसका कंस्ट्रक्शन। याद करो माइक्रोस्कोप में क्या था? ऑब्जेक्टिव छोटा था और आईपीस बड़ा था। यहां जस्ट इसका उल्टा होगा, यहां कौन होगा? ऑब्जेक्टिव बड़ा और आईपीस छोटा। मतलब अगर ऑब्जेक्टिव बड़ा है तो इसका फोकल लेंथ बड़ा होगा और अपर्चर भी बड़ा होगा, और यहां आईपीस छोटा है इसका फोकल लेंथ भी छोटा और अपर्चर भी छोटा। इसको भी कहां लगाते हैं? कोएक्सियल ट्यूब में, है ना? कोएक्सियल ट्यूब, कोएक्सियल ट्यूब का मतलब एक ट्यूब के अंदर दूसरा ट्यूब। और इनके डिस्टेंस को कैसे एडजस्ट करते हैं? रेक एंड पाइनियन अरेंजमेंट के थ्रू, याद ना, आगे पीछे करते हैं तो डिस्टेंस को अरेंज करते हैं, सेम कुछ सबको सेम, बस चेंज हो जाएगा ये कहानी कि यहां ये बड़ा होता है ये छोटा होता है कि नहीं? तो लिखिए टेलीस्कोप, हेडिंग लिखिएगा टेलीस्कोप, टेलीस्कोप इट इज अ डिवाइस। आजकल बहुत लेट हो रहा है बेटा, समय का अभाव नहीं रहा, प्रभाव बहुत रहा। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू सी, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू सी, विच इज यूज टू सी एन ऑब्जेक्ट लाइंग एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। It is an instrument which is used to see an object lying at very large distance. Next heading, construction. Construction. It consists of two lens, an objective and eyepiece lens. It consists of two lens, an objective and an eyepiece lens.
फुल स्टॉप. एन ऑब्जेक्टिव हैव लार्ज अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ. एन ऑब्जेक्टिव हैव लार्ज अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ. एंड आईपीस हैव एंड आईपीस हैव स्मॉल अपर्चर एंड स्मॉल फोकल लेंथ. आईपीस हैव स्मॉल अपर्चर एंड स्मॉल फोकल लेंथ. फुल स्टॉप. These lenses are held. These lenses are held in a coaxial tube. In a coaxial tube, and the distance between an objective and eyepiece and the distance between an objective and eyepiece can be adjusted with the help of rack and pinion arrangement. With the help of rack and pinion arrangement, telescope. ठीक है, हो गया, समझ में आया. आइए अब हम लोग पढ़ते हैं. क्लियर हो गया. अब इसमें भी दो आपको पढ़ने हैं. क्या क्या पढ़ने हैं? मैग्नीफाइंग पावर फॉर टेलीस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट एलडीडीवी, और दूसरा केस मैग्निफिकेशन फॉर टेलीस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट इंफिनिटी. तो पहला केस हम लोग स्टार्ट करते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं. मैग्निफाइंग पावर फॉर टेलीस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट एलडीडीवी. सब हंस रहे, सब देख लो टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, तो हंस रहे सब. मैग्निफाइंग पावर फॉर टेलीस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट एलडीडी. ठीक है, आइए फिर से कहानी वही पुराना. कहानी है कि दोनों लेंस को एक साथ नहीं बनाएंगे. स्पेशली एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जब हम पढ़ रहे हैं, ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं. ठीक है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप नहीं पढ़ना, सिलेबस में नहीं है. टेलीस्कोप पे हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. यही लिख लेते हैं ब्रैकेट में, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. बहुत हंस रहे हैं सब जी, इतना मन से बोल रहे हैं. सही सही, श्रुति बहुत हंस रही लड़की है. चला जा नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. आगे पढ़ते हैं, ध्यान देते हैं. अब इसमें पहला केस पढ़ना है आपको, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट एलडीडीवी. दोनों लेंस साथ नहीं बनाना है. क्लियर. दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, और सबसे बड़ी गलती आपसे क्या होती है, दोनों लेंस की साइज में अंतर दिखना चाहिए एग्जामिनर को, है ना. एक बड़ा है, कौन बड़ा होता है इसमें? ऑब्जेक्टिव. कौन छोटा होता है? आईपीएस. लेकिन आप बनाएंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं अगर ट्रिक नहीं बताता हूं, अगर आप बनाएंगे तो आपकी आईपीस अपने आप बड़ी हो जाओगी ऑब्जेक्टिव से. दिखाता हूं, तो पहले बता ही देता हूं ट्रिक क्यों गलती करवाऊ स्टार्टिंग में. पहले आपका ऑब्जेक्टिव हो गया बड़ा, होता है ना, ये क्या हो गया बोलो बच्चों, वीडियो वालों से बोल ही नहीं रहे सर. हाँ वेरी गुड, ये आपके पास ये क्या है बताइए, क्या निकाल रहे हैं हम लोग? सब सोए हैं सर,
इसका नाम हम लिख लेते हैं O1, क्या बोलते हैं O1, ऑप्टिकल सेंटर 1। अच्छा ऑब्जेक्ट, अब पहला क्वेश्चन, यहां ऑब्जेक्ट रखेंगे क्या? नो, क्यों नहीं? क्योंकि टेलीस्कोप डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट का मतलब कैसी बीम आती है? पैरेलल। इनफाइनाइट का मतलब पैरेलल बीम आएगी, ये नहीं कि ऑब्जेक्ट रख देना। पहली गलती ये होती है। दूसरी, दुनिया की सबसे बड़ी गलती होती है वो ये, पैरेलल बीम आप ऐसे भी ला सकते हैं आपकी मर्जी, लेकिन ऐसे नहीं लाना होता है, हम ऐसे लाएंगे, एक ऐसे दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे लेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें गलती क्या होती है मैं बताता हूं, यही गलती सबसे बड़ी, यही पहला स्टेप ही आपका सुधार देगा फिगर। ये जो एंगल है बच्चों, ये एंगल कोशिश करिएगा जितना छोटा से छोटा रखिए, तभी अपने आप आईपीस छोटा हो जाएगा। अगर ये एंगल बढ़ गया तो 100% कंफर्म, 200% गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आईपीस इससे बड़ा हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव से बड़ा हो जाएगा। अब चेक करके घर पे देख लेना, ठीक है। अगर ये एंगल बड़ा हुआ, अपने आप आईपीस बड़ा हो जाएगा। तो इसी वजह से हमको इस एंगल को क्या रखना है, छोटा। तो देखो कैसे रखते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। तो मैं इस एंगल को बहुत करीब से लेके जाता हूं, एक रे ऐसे गई तो ऑप्टिकल सेंटर सीधा चला जाएगा। यस या नो? वीडियो वाले बच्चों बोलो, ये दोनों रे एक दूसरे के पैरेलल आएंगे, यार है। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगा? ये दोनों कहां जाकर के मिलेंगे जल्दी बोलो? फोकस पे, यही मिलेगा ना। ये होगा इसका फोकस, ये होगा इसका फोकस। किसका फोकस? ये है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का फोकस FO। यहीं पर बन जाएगा आपके पास इमेज। यहां पे हो गया ये आपके पास इमेज। कोई तकलीफ? यस नो? नो सर। इस इमेज का नाम क्या होगा? A-B-। ऑब्जेक्ट कहां रखा गया था? इन्फिनिटी पे, पैरेलल बीम आएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर वीडियो वाला बच्चों? यही कहलाएगा इमेज डिस्टेंस भी कहलाएगा, और यही कहलाएगा फोकल लेंथ भी कहलाएगा। क्या यही तो वीओ भी कहलाएगा, यही एफओ भी कहलाएगा, क्योंकि फोकस पे आके मिलेगा। अगर पैरेलल बीम आती है तो कहां पे आके मिलता है? फोकस पे। यहां तक किसी को दिक्कत? अब मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव का सारा काम हो गया, अब मुझे आईपीएस बनाना है, इसके बगल में एक आईपीएस बना लेंगे। छोटा हो गया कैसे? ऑब्जेक्टिव से छोटा है क्या आईपीएस? अगर आप बनाते रहे तो मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं बहुत झेला हूं अपने जमाने में, बहुत भयंकर यही झेला था मैं, ठीक है। मेरा हमेशा यही गलती होता था कि आईपीएस बड़ा हो जाता था, न चाहते हुए भी जबरदस्ती बड़ा हो जाता था। क्यों होता था? क्योंकि ये एंगल बड़ा होता था। अब चेक करिएगा घर पर बना कर, कंफर्म बड़ा होता, 200% गारंटी के साथ, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास क्या? आई पीस, ठीक। अब इसका इमेज इसी साइड बनना है, लेकिन बड़ा बनना है, LDDP पे बनना है। तो बताओ ये आई पीस का ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा एडस बीडस? कहां रख दिया जाए कि सेम साइड बने और बड़ा बने? ऑप्टिकल सेंटर इसका ये हो गया O2, और यहां हो जाएगा इसका फोकस FE। FE और O2 के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तभी तो सेम साइड बनेगा और बड़ा बनेगा। तो इसका मतलब ये हमारा जो इमेज बनने वाला है वो कहीं यहां बनने वाला है। मैं बना लेता हूं एक रे को इसके टॉप से ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाता हूं। ऐसे मीन्स ये रे एक रे ऑप्टिकल सेंटर से गया, तो चुपचाप से सीधा चला जाएगा, ठीक है। अब यही आपके पास फाइनल इमेज होगा, ये मैं यहां पे बना देता हूं समझाने के लिए। ये हो गया फाइनल इमेज, जिसका कलर चेंज करके मैं कर लेता हूं, कौन सा कलर कर लूं? पर्पल। ये हो गया A-B-। ठीक है, आप देखो और रे कैसे जाएगा, जल्दी बताओ। तो एक रे पैरेलल जाएगा, कहां से पास करेगा?
फोकस है, फोकस से पास करने से पहले मैं ये रे ऐसे लेके चलता हूं, ये रे यहां मिलाता हूं और यहां से ये फोकस ऐसे चला जाएगा। मतलब कुछ इस प्रकार से, इसको मैं कर देता हूं डॉटेड। भाई एक रे पैरेलल गया, कहां से पास हो गया? फोकस से। ये क्या कहलाएगा? एफ ई। क्लियर है? अब दो ठो ये जो चूजे वाले रेज आ रहे थे, ये बेचारे, इनको भी लाते हैं और यहां पे मिलाते हैं। मिलेगा क्या कहीं पे? ऐसे मिलेगा। और ये रे ऐसे मिलेगा क्या? इनको भी क्या करेंगे? डॉटेड लाइन से यहीं पे मिला लेंगे ऐसे, इनको इनको, और यहां से ये दोनों रे को ऊपर उठा के लेके चले जाएंगे। समझ में आ रहा? क्यों याद आ रहा? पिछला वाला डायग्राम सेम काम हो रहा है, ऐसे चला जा रहा है। इनको क्या कर लेंगे? डॉटेड बना लेते हैं, इनको भी डॉटेड। क्लियर है? यस नो? यस नो? यस सर। चलो अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता तो और अच्छी बात। ये एंगल, ये एंगल मेरे पास क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट एंगल, ऑब्जेक्ट रखा गया, ये एंगल क्या बनाएगा? अल्फा। तो ये भी एंगल वर्टिकली अपोजिट से क्या हो जाएगा? अल्फा। यस नो? और ये फाइनल इमेज जो एंगल बना रहा है, ये फाइनल इमेज एंगल जो बना रहा है, ये क्या होगा? बीटा। क्लियर? ये क्या कहलाएगा बच्चों? यहां से आ तक ए डैश बी डैश से ओ टू तक क्या कहलाएगा? जल्दी बताओ, यू ई कहलाएगा क्या? और ये ए डबल डैश बी डबल डैश ओ टू क्या कहलाएगा? वी ई, विच इज इक्वल टू माइनस डी, क्योंकि फाइनल इमेज कहां बन रहा है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है। समझ में आया क्या? आया? एक बार झटके से इसको देखा जाए, ये तो तरीके से सीखा। एक बड़ा ऑब्जेक्ट, तो ध्यान दो, एक बड़ा लेंस, एक रे कहां से जाएगा? एकदम क्लोज जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से। गया? गया कि नहीं? जल्दी बोलो। एक रे इसके पैरेलल और जाएगा, कहां से पास होगा? दोनों कहां पे जाके मिलेंगे? फोकस पे। ये हो गया इसका फोकस, इसको हम क्या बोलेंगे? एफओ, ये ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। और यहां जो बना उसका नाम क्या हो गया? ए डैश बी डैश। कोई तकलीफ? नो सर। बोलो नो सर। ये क्या कहलाएगा? वीओ कहलाएगा। ये यही क्या कहलाएगा? एफओ कहलाएगा। कहलाएगा? यस सर। अब क्या हुआ, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। अब इसी के पास हम क्या करेंगे? एक आईपीस बना लेंगे, छोटा सा, एज छोटा एज पॉसिबल। इसके टॉप से एक रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे, सीधा चला जाएगा कैसे? ये इसको आगे बढ़ा लेंगे डॉटेड लाइन से ऐसे, और यहां पे ले आकर के एक फाइनल इमेज बना लेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा? ए डबल डैश बी डबल डैश। कोई तकलीफ? नो सर। एक रे पैरेलल जाएगा, कहां से पास होगा? फोकस से। ये रे ऐसे जाएगा और यहां से हम इसके फोकस से पास कर देंगे, ये हो जाएगा एफ ई। और अगर इमेज सेम साइड बना है तो इसका फोकस किधर होगा? एफ ई और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ये रखा होगा, तभी सेम साइड बनेगा। फिर ये जो दोनों रे आ रहे थे, इसको भी आगे बढ़ा लो डॉटेड लाइन करते हुए ऐसे से, इसको डॉटेड बना लेना, इसको भी डॉटेड करते हुए बढ़ा लेना सॉलिड लाइन। ये ऐसे मिला देना, ये भी ऊपर चला गया, ये ऐसे मिला देना और ये भी ऊपर चला गया। जहां मिले तीनों वहां क्या बन गया आपके पास? आई। ये हो गया, ये इस लेंस के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया यूई। ये इस लेंस के लिए क्या है? इमेज है, जो कि बोलते हैं वी इक्वल टू माइनस डी। ये आईपीस है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा। कोई तकलीफ? समझ में आया? चलो पहले फिगर नोट कर लो, उसके बाद आगे धीरे से बताते हैं। सोचो, चलिए मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हमारे पास होता है, सिंस वी नो दैट, प्लीज ध्यान दीजिए, सिंस वी नो दैट मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू होता है बीटा अपॉन में अल्फा। बीटा को टेन बीटा लिख सकते हैं, टेन बीटा। अब मुझे जानते हो क्या करना था बच्चों? किसी तरीके से एक चीज कट जाए, किसी तरीके से एक चीज कट जाए,
जैसे कल भी हमने लिया था बीटा लिया था तो कुछ ना कुछ नीचे कट रहा था, तो हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे ए डैश बी डैश ओ टू, इसके अंदर टेन बीटा की वैल्यू कितना होगा जल्दी बताओ। ए डैश बी डैश ओ टू में टेन बीटा लेना है तो मिलेगा ए डैश बी डैश अपॉन में ए डैश ओ टू, क्या होगा ए डैश बी डैश अपॉन में ए डैश ओ टू, और टेन अल्फा इसी ट्रायंगल में लेंगे ओ ए डैश बी डैश ओ वन, इसमें ए डैश बी डैश ओ वन क्या मिलेगा जल्दी बताओ, टेन अल्फा ए डैश बी डैश अपॉन में ए डैश बी डैश अपॉन में ए डैश ओ वन, मेरा कुछ ना कुछ कटना चाहिए तो मेरा यहां पे क्या कट रहा है ए डैश बी डैश, बताते ना कुछ कट जाना चाहिए, ये यहां गया और ये चीज ऊपर जाएगा, जाएगा क्या मिलेगा ए डैश ओ वन अपॉन में ए डैश ओ टू। चलो तो एम इज इक्वल टू ए डैश ओ वन क्या है बच्चों, थोड़ा ध्यान देते हैं, ए डैश ओ वन यहां से यहां तक क्या है ये बोलो, ए डैश ओ वन क्या है, एफ ओ है या पी ओ है, तो मैं एफ ओ लिख लेता हूं, आपको मन करे तो वीओ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ए डैश ओ टू क्या है जल्दी बता दो, ए डैश ओ टू यूई माइनस का यूई, माइनस का यूई, इक्वेशन नंबर वन, कोई तकलीफ यस नो, या इसको हम थोड़ा सा और सुधार लें उसके बाद लिखते हैं, इसको लिख लिया जाएगा एम इज इक्वल टू माइनस का एफ ओ अपॉन में यूई, इक्वेशन नंबर वन, कोई तकलीफ नो सर। अब बात करते हैं फॉर आईपीस, सिंस फॉर आईपीस, तो ध्यान से बताइएगा फॉर्मूला होता है वन बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू क्या होता है वन बाई एफ, वी की जगह क्या होगा जल्दी बताओ, माइनस डी होगा, आईपीएस की बात कर रहा हूं तो आईपीएस की वी क्या है माइनस डी, यू क्या है माइनस यूई, क्यों माइनस लेफ्ट साइड में, और एफ क्या होगा एफ ई, क्योंकि आईपीएस फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स का, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं, हमको लग रहा कोई तकलीफ है, तो यहां क्या होगा जल्दी बोलो, वन बाई यूई माइनस का वन बाई डी, इधर आके क्या हो जाएगा वन बाई एफ ई प्लस वन बाई डी हो जाएगा यस नो। अब बहुत खतरनाक काम, अब यहां से मैं क्या करता हूं, थोड़ा समझने वाली बात करिएगा, मैं यहां से वन अपॉन एफ ई कॉमन लेता हूं, क्या बचेगा यहां पर वन प्लस एफ ई बाई डी, इक्वेशन नंबर सेकंड लिख सकते हैं यस नो, ये नहीं समझ में आएगा बच्चों को, अरे जो चीज कॉमन लेते हो उस चीज से डिवाइड किया जाता है, जैसे वन बाई एफ ई से इसको डिवाइड करोगे तो यह आ गया वन, और इसको वन बाई एफ ई से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, जैसे वन बाई डी है इसको वन बाई एफ ई से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये यहां मल्टीप्लाई होता है ये यहां आ जाता है, तो क्या होगा एफ ई बाई डी होगा कि नहीं होगा, ठीक है, जिस चीज को आप कॉमन लेते हो उस चीज से डिवाइड करते हैं ब्रैकेट के अंदर, सिंपल सी बात, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब इक्वेशन वन में देखो, ऐसे हम लोगों ने लिखा था, सिंस सिंस एम इज इक्वल टू क्या था जल्दी बोलो, माइनस का एफ ओ बाई यूई, यूई ऐसे लिख सकते हैं क्या, अरे देखो इक्वेशन नंबर वन माइनस का एफ ओ अपॉन यूई, तो यूई को इंटू वन बाई यूई लिख सकते हैं, और वन बाई यूई की जगह क्या पुट कर सकते हैं इक्वेशन टू से, देखो ये पूरा पुट कर सकते हैं, तो फॉर्मूला क्या मिल जाएगा मैग्नीफाइंग पावर का, माइनस का एफ ओ इंटू वन अपॉन एफ ई वन प्लस एफ ई बाई डी, तो प्रॉपर तरीके तरीके से इसको लिख लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो रहा है भाई, एम इज इक्वल टू मिल गया माइनस का एफ ओ अपॉन में एफ ई वन प्लस एफ ई बाई डी, दिस इज द फॉर्मूला, ये डी है बच्चा ओ लग रहा है, एफ ई बाई डी डी लग रहा है ना एफ ई बाई डी, तो ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अब अगर इसी में पूछ ले, चलो नोट यहीं पे लिख लेते हैं, एक आध याद रहना चाहिए, लेंथ ऑफ ट्यूब, देखिए कौन बच्चा बताएगा लेंथ ऑफ ट्यूब, नोट लेंथ ऑफ ट्यूब,
क्या होगा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला बताओ तुम। लेंथ ऑफ ट्यूब का मतलब, लेंथ ऑफ ट्यूब का मतलब डिस्टेंस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड मतलब ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस, ये चीज, ये एल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वीओ प्लस यूई मॉड में, क्योंकि डिस्टेंस नेवर भी निगेटिव, तो लिख सकते हैं मॉड ऑफ, चलिए बोलो, लेंथ ऑफ ट्यूब इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ वीओ प्लस मॉड ऑफ यूई। दूसरा बताओ, वीओ को शायद हम एफओ भी लिखे थे, एफओ प्लस मॉड ऑफ यूई लिख सकते हैं, यस नो, ये हो गया लेंथ ऑफ ट्यूब, क्लियर। चलिए नोट करिए फटाफट, वीडियो लो क्लियर है।